Hey, what's up guys, Anuj here, welcome to the DSA-One course. Today we are going to talk about greedy algorithm ke upar ek aur shandar question ki, which is minimum platforms. काफी जेनरिक क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, मेरे से खुद दो इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा चुका है ये. तो आज हम इसे समझते हैं कैसे काम करता है. ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके बाद हम अपने DSA-One कोर्स के अंदर और आगे बढ़ रहे होंगे. क्वेश्चन इज, आपको एक स्टेशन डिजाइन करना है. उस स्टेशन को डिजाइन करने के लिए आपको पता है कि उस स्टेशन के ऊपर कभी भी फ्यूचर में कितनी ट्रेन आने वाली है. हमें पता है इस स्टेशन के ऊपर ये 6 ट्रेन आएंगी, इसके अलावा कभी भी कोई और ट्रेन नहीं आने वाली. तो आपको बताना है कि कितने प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स कितने लगेंगे जिससे कि आप सारी की सारी ट्रेन को अकोमोडेट कर सको. आपको इनका शेड्यूल दे रखा है कि ये अराइवल कितना है, डिपार्चर कितना है. अराइवल इस ट्रेन का 9 बजे है, 9:10 पे चली जाएगी. दूसरी ट्रेन 9:40 पे आएगी, 12 बजे चली जाएगी. तीसरी ट्रेन 9:50 पे आएगी और 11:20 पे चली जाएगी, एंड सो ऑन. तो आपको बताना है कि मिनिमम कितने प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी टू अकोमोडेट एवरी ट्रेन ऑन दिस स्टेशन. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव क्वेश्चन है. एक ट्रेन मेरी 9 से 9:10 पे हो जाएगी, ठीक है. दूसरी ट्रेन मेरी 9:40 पे चलेगी और 12 तक चलेगी, ठीक है, 9:40 से 12 तक, ऑल राइट. तीसरी ट्रेन मेरी 9:50 पे आएगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी और 11:20 पे खत्म हो जाएगी. इसका मतलब ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं. अगर दो ट्रेन ओवरलैप कर रही है तो इसका मतलब दो प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे हमें. एक प्लेटफॉर्म में तो नहीं काम चल पाएगा इनका. उसके बाद अगली 11 बजे आती है, तो ये वाली हमारी 11:20 पे ख़त्म हो जाती है, राइट, और 9:50 पे आती है ये. उसके बाद अगली आती है 11 बजे, 11:30 बजे तक चलती है ये. तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरी ट्रेन है और ये 11 बजे आती है और 11:30 पे चली जाती है. उसके बाद वाली ट्रेन जो वो बाद में आती है, ठीक है, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है. तो 1500 वाला टाइम दे रखा आपको, 1900 यहाँ पर. और दूसरी ट्रेन आपकी 1800 पे आती है और 2000 पे चली जाती है. तो इस तरीके से हमने सारे सारे ओवरलैपिंग बना लिया कि अच्छा ये कहाँ कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं. और अगर आपने पता लगा लिया कि मैक्सिमम ओवरलैप्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो उतने ही प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे हमें. हमें दिख रहा है यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैप हो रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स तो चाहिए होंगे. हमें दिख रहा है यहाँ पर भी 2 ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 ओवरलैप हो रहे हैं. हमें मैक्सिमम ओवरलैप पता लगाना है. मैक्सिमम ओवरलैप पता लगा लिया आपने, तो आप मिनिमम प्लेटफॉर्म्स पता लगा सकते हो. तो कम से कम 3 प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, ठीक है, मिनिमम 3 प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे सारी सारी ट्रेन को अकोमोडेट करने के लिए. तो ये ओवरलैप पता लगाना है. ये ओवरलैप आप कैसे पता लगा सकते हो, जरा ये सोचो. तो एक तरीका जो बहुत ही शानदार है इसके अंदर, वो ये है कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो, ठीक है, एक जगह से लेफ्ट टू राइट चलते रहो, और जो भी आपको मिलता है, चाहे स्टार्टिंग टाइम हो, चाहे एंडिंग टाइम हो, चाहे अराइवल टाइम हो, चाहे डिपार्चर टाइम हो, जो भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से अपने काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते रहो, ठीक है. तो अपने एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे और साथ में एक मैक्स वेरिएबल भी बना लेना, जिससे कि आपके पास हमेशा मैक्सिमम काउंट हो, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैप ही मिनिमम प्लेटफॉर्म आपको लगे देगा. तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे. पहले हमें मिला ये, विच इज़ एन अराइवल टाइम, राइट, दिस इज एन अराइवल टाइम. तो काउंट हमारा 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा. उसके बाद हमें ये मिला, विच इज़ द डिपार्चर टाइम. 9:10 डिपार्चर टाइम होता है, तो काउंट हम डिक्रीमेंट कर देंगे, हमारा हो जाएगा 1 से 0, लेकिन मैक्स हमारा 1 रहेगा, ठीक है. मैक्स हमारा 1 अपडेट हो चुका, कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमें ये मिलेगा 9:40 वाला, विच इज़ एन अराइवल टाइम. इसका मतलब हमें फिर से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. अगला हमें ये मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो एन अराइवल टाइम. इसका मतलब एक और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. आप देख रहे हो, 2 प्लेटफॉर्म चाहिए थे यहाँ पर, तो हमारा 2 हो गया है. और सिमिलरली हम मैक्स को भी अपडेट कर देंगे. मैक्स हमारा अपडेट होता रहेगा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के साथ. आगे चलेंगे, हमें ये मिला 11 बजे, ठीक है. 11 बजे इसका मतलब तीसरी ट्रेन आ रही है, दिस इज़ ऑल्सो अराइवल टाइम. तो इसका मतलब ये अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से 3, और हम अपने मैक्स को भी इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से 3. फिर अगला हमें क्या मिलेगा, 11:20. 11:20 इज़ अ डिपार्चर टाइम. ये डिपार्चर टाइम है, तो हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 3 से 2, मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे. फिर अगला हमें मिलेगा 11:30, विच इज़ ऑल्सो डिपार्चर टाइम. तो यहाँ पे अगेन हम इसे डिक्रीमेंट करेंगे 2 से 1, विच इज़ इसके बाद फिर 12 मिला. 12 इज़ ऑल्सो डिपार्चर टाइम, तो इसे 1 से डिक्रीमेंट करके कर देंगे 0. फिर हम आगे बढ़े 15, विच इज़ एन अराइवल टाइम, राइट. तो अराइवल टाइम है, तो इसे हम इंक्रीमेंट कर देंगे. तो सिर्फ काउंट वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके आंसर निकाल लेते हैं. हम चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमम से ज़्यादा है, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम को अपडेट नहीं करेंगे. उसके बाद अगला मिला 18, तो इसको हम अगेन इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से 2. आपको दिख भी रहा है यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म चाहिए थे. उसके बाद हमें मिलेगा 1900, विच इज़ अ डिपार्चर, तो हम डिक्रीमेंट कर देंगे. फिर हमें मिलेगा 2000, विच इज ऑल्सो डिपार्चर, तो हम डिक्रीमेंट कर देंगे. उसके बाद हम देखेंगे मैक्स के अंदर आंसर क्या है, तो मैक्स के अंदर आंसर 3 है. इसका मतलब 3 मैक्सिमम ओवरलैप हो रहे थे. और इस तरीके से बहुत ही ईजिली क्वेश्चन हो जाता है. आपको ये नहीं देखना कि मेरे पास कौन सी वाली ट्रेन का अराइवल है, कौन सी वाली ट्रेन का डिपार्चर है, ना, ये तो देखना ही नहीं. सारी ट्रेन को आप एक जैसा ही कंसिडर करोगे. आपको बस देखना है अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, कि ये टाइम जो है ये अराइवल का टाइम है या डिपार्चर का टाइम है. तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोड कैसे कर सकते हैं. आपके पास ये 2 एरे गिवन है, राइट, इन दोनों एरेज को सॉर्ट कर लो. अराइवल को अलग सॉर्ट कर लो, डिपार्चर को अलग सॉर्ट कर लो. कोई भी कोरिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि आपको तो सिर्फ अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम से फर्क पड़ता है, राइट.
तो इसको आपने अलग सॉर्ट कर लिया, इसको आपने अलग सॉर्ट कर लिया। उसके बाद आप दो पॉइंटर बनाते चलो, एक अराइवल टाइम के लिए, एक डिपार्चर टाइम के लिए, चेक करते चलो कौन सा छोटा है, उसके हिसाब से आप काउंट प्लस प्लस करते रहोगे। तो क्या, तो मैं साथ कोड करता हूँ, कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है, उसके बाद आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड फाइंड प्लेटफॉर्म्स, इसके अंदर हमें अराइवल टाइम वाला एरे दे रखा है, डिपार्चर टाइम वाला एरे दे रखा है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स भी दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम अराइवल और डिपार्चर को सॉर्ट कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट नाम का, जिसके अंदर हम रखेंगे करंटली कितना काउंट चल रहा है, और ये मैक्स वाला है, ठीक है, आंसर नाम से बना दिया मैंने इसको यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर दो पॉइंटर लेके चलेंगे, आई वाला पॉइंटर हमारा अराइवल वाले में चलेगा, जे वाला पॉइंटर हमारा डिपार्चर वाले में चलेगा। वाइल आई इज लेस देन एन, सिर्फ मैं अराइवल वाले के साथ चेक कर रहा हूँ वाइल आई इज लेस देन एन, क्योंकि अराइवल वाला पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है, डिपार्चर वाला तो बाद में खत्म होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर दो पॉइंटर है, एक अराइवल वाले एरे के अंदर है, एक डिपार्चर वाले एरे के अंदर है, ठीक है। दिस इज आई एंड दिस इज जे, मैं चेक करूंगा दोनों में से छोटा क्या है, दोनों में से जो छोटा होगा वही मेरा पहले माना जाएगा, राइट, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट चल रहे थे। तो मेरा पहले मुझे देखेगा 9 बजे छोटा है, विच इज़ एन अराइवल टाइम, इसका मतलब मुझे अपना काउंट प्लस प्लस कर देना चाहिए, राइट, और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए अराइवल टाइम के अंदर। तो मैंने वही किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, और फिर मैंने अपने आंसर को भी अपडेट कर दिया, राइट, जैसे ही मैंने अपना काउंट प्लस प्लस किया मैंने अपने आंसर को भी अपडेट कर दिया, उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस कर दिया कि ठीक है अराइवल वाले के अंदर आगे बढ़ो। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब डिपार्चर वाला टाइम है ये, ठीक है, दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट ये वाला डिपार्चर वाला टाइम है, तो हम काउंट को माइनस माइनस कर देंगे और जे में प्लस प्लस कर देंगे कि डिपार्चर वाले के अंदर आगे बढ़ जाओ आप, और ऐसे करते रहेंगे फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये बहुत ही इजीली एन लॉग इन के अंदर हो जाता है, हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसको हम रन करते हैं ये चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए, अब अपने DSA-One कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ रहे होंगे। इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, बाय बाय।